हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर रवि। सो गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशंस के बेसिस पे एक और एग्जांपल को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसके बेसिस पे हम कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे। आप देख सकते हैं गाइज, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमने डिस्कस किया था। फिर जो डेफिनेशन क्या होता है लीनियर का, एक्स लीनियर क्या होता है, वाई लीनियर क्या होता है, सब चीज़ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर पहले देख ले, उसकी उससे क्या हेल्प मिलेगा आपको कि आपको आज के जो क्वेश्चन में क्या क्या स्टेप हम मतलब क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे वो आपको पहले से ही क्लियर होगा। एंड आपको वीडियो कहाँ मिलेगा, तो आप इस चैनल का जो प्लेलिस्ट होगा, इस चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा M3 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, या फिर आपको चैनल पर जाकर वीडियोस का सेक्शन चेक करेंगे, आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। एंड बहुत सारे और वीडियोस हैं जो इन टॉपिक्स पे अपलोडेड हैं, तो आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। सो गाइस, हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन में गिवन क्या है, सॉल्व 1 + y² dx = tan inverse y - x dy। ये क्वेश्चन है, इसको हमें लीनियर से सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे जो पहला टास्क होता है, हमें ये फाइंड करना होता है कि ये एक्स लीनियर है या फिर वाई लीनियर है। उसके लिए हम ये फाइंड करते हैं कि इस इक्वेशन में y कितने हैं, x कितने हैं। सो गाइज, यहाँ से देख सकते हैं आपकी एक y तो यहाँ पर आ रहा है, एक y tan inverse y यहाँ पर आ रहा है, बट यहाँ पर जो x है वो एक ही बार आ रहा है, y दो बार आ रहा है, x एक बार आ रहा है। तो जब x एक बार आता है ना, तो उसको हम बोलते हैं x linear। जब x एक बार आता है तो उसको बोलते हैं x linear, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस किया था हमने ये वाले कॉन्सेप्ट में प्रीवियस वीडियोस में। x linear क्या होता है, जब वहाँ पे सिर्फ एक x आता है, ये वाला x, बाकी py qy दोनों y का टर्म होता है, उसमें हम फाइंड करते हैं dx/dy। हम इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करते हैं, dx/dy + py (x) = qy। तो हम इसको भी चेंज करेंगे dx/dy के फॉर्म में, तो हमें करना है dx/dy। तो इस dy को हम यहाँ सेंड कर दें अगर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 + y² मल्टीप्लाई में है dx/dy = tan inverse y - x। अब आ गया, अब ये जो x होता है वो इस साइड होना चाहिए dy/dx के साथ, एंड dy/dx अकेला होना चाहिए, ये डेफिनेशन था हमारा लीनियर का। तो हम पहले x को इस साइड सेंड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 + y² यहाँ पे आ गया dx/dy + x = tan inverse y। आफ्टर दैट यहाँ पे अब क्या होगा कि अब dx/dy को अकेला करना है, तो 1/y² से हम पूरे को डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा dx/dy + x/1 + y² = tan inverse y/1 + y². नाउ गाइस, इसमें देख सकते हैं कि x एक है, y एक साइड हो गया, मीन्स ये पूरे टर्म को, ये पूरे टर्म qy है, यहाँ पे क्या है py × x आ गया। अब हमें फाइंड करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e^py (dy). तो py क्या है, 1/1 + y² dy आ गया। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है जो e^ इंटीग्रेशन में है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, 1/1 + y² dy, इसको इंटीग्रेट करना है। जो लास्ट वीडियो था, लास्ट वीडियो में हमने जो इंटीग्रेशन किया था वहाँ पे था 1/1 + y dy करके फॉर्मेट था, यहाँ पे शायद x या y था लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा, ये देखो यहाँ पे था 1/y करके। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, सॉल्व कर लिया था इसको, 1/1 + y को t एज्यूम कर लेते थे, t एज्यूम किया था, फिर उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया था, बट यहाँ पे क्या है 1 + y² है। तो अगर हम 1 + y² को t एज्यूम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y (dy) = dt। तो हम इस वाले क्वेश्चन से तो कुछ भी रिप्लेस कर ही नहीं पा रहे हैं जो हमने यहाँ फाइंड किया है, तो हम इसको इसमें डिनोमिनेटर को टी एज्यूम करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या होता है, जो हमने डिफरेंशिएशन के में जो वीडियोस था हमारे जिसमें हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, वहाँ पे एक फॉर्मूला आया था कि टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 + x² मीन्स टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है 1/1 + x². इट मीन्स कि इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, तो 1 + 1/1 + x² का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इट मीन्स कि 1/1 + x² dx ये हो जाएगा किसके इक्वल, टेन इनवर्स एक्स के इक्वल। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया e^ tan inverse y, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये क्या था, अब इसको हम फाइंड करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो dx/dy था ये एक्स लीनियर था हमारा इक्वेशन, तो एक्स लीनियर होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
जो कि हमारा फॉर्मूला है e की पावर ये माइनस नहीं है, सॉरी ये माइनस नहीं है, सिंपल e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। तो q क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, ये हो गया tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, एंड इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा e की पावर tan इनवर्स y, एंड यहाँ पे dy इसको हमें इंटीग्रेट करना है। नाउ गाइस, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे tan इनवर्स y और फिर यहाँ पे e की पावर tan इनवर्स y है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर हम tan इनवर्स y को t अज्यूम कर ले, सपोज इस वाली क्वेश्चन में अगर हम अज्यूम कर ले लेट tan इनवर्स y इज इक्वल टू t। अब इसको हमने t क्यों अज्यूम किया है, क्योंकि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको हमने t अज्यूम किया है उसको डिफरेंशिएट करने में क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर dy इज इक्वल टू dt। देख सकते हैं गाइज इस इक्वेशन में, इस वाले में 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर भी है, यहाँ पे dy भी है, इसको हम t से रिप्लेस कर सकते हैं, एंड tan इनवर्स y को t से रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, अभी हम सिर्फ राइट हैंड साइड को ले रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स y को हमने अज्यूम किया t इंटू e की पावर t, एंड 1 प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर इंटू dy क्या है, dt है, तो ये आ गया dt, ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसको आ जाएगा t को हमने रखा एज इट इज इंटू e की पावर t का e की पावर t, और ये इंटीग्रेशन नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं आएगा यहाँ पे, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, t का डिफरेंशिएशन हो गया 1 इंटू e की पावर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर t dt प्लस c आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते तो क्या आ जाएगा, t इंटू e की पावर t, एंड यहाँ से आ जाएगा माइनस e की पावर t प्लस c, क्योंकि e की पावर t का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर t, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है e की पावर t अपॉन t का जो डिफरेंशिएशन होगा, जो पावर होता है उसका डिफरेंशिएशन अपॉन में आता है, तो पावर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो डायरेक्ट हमने लिख दिया, तो आंसर आ गया हमारा t इंटू e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c। अब हम t को रिप्लेस कर देंगे किससे, tan इनवर्स y से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t आ गया tan इनवर्स y इंटू e की पावर, या फिर आप e की पावर t कॉमन ले लें, वैसे कर लें, तो t इंटू e की पावर tan इनवर्स y माइनस e की पावर tan इनवर्स y प्लस c, एंड राइट हैंड साइड में ये चीज, लेफ्ट हैंड साइड में x इंटू e की पावर tan इनवर्स y यहाँ पे गिवन है, तो ये इसका आंसर हो गया। सो गाइज, आई होप कि आज के इस वीडियो में जो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप प्रीवियस वीडियोस को देख लें, प्रीवियस वीडियो जो हमने इस पर डिस्कस किया था कि क्या फॉर्मूला है, कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, वो अगर आप देख लेंगे, फिर प्रीवियस वीडियो में जो एग्जांपल डिस्कस किया वो अगर आप देख लेंगे तो उससे आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, तब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। सो गाइज, अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं, एंड अगर आप इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई कहीं प्रॉब्लम्स आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो आप उन क्वेश्चंस का फोटो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक मेल आईडी होगा उस मेल आईडी पे आप मुझे भेज सकते हैं विद सॉल्यूशन कि आपने उस क्वेश्चन को कहाँ पे सॉल्व किया है। जहाँ भी प्रॉब्लम्स होगा, जहाँ भी कोई एरर आएगा, उसको मैं ट्राई करूँगा रिजॉल्व करने का, एंड एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, सो दैट कि वो भी इन टॉपिक्स को बहुत ईजिली समझ पाएँ एंड एग्जाम के लिए इन टॉपिक्स को बेटर परफॉर्म प्रिपेयर कर पाएँ, एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाएँ। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।